हम लोग आईआर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं और कुछ बातें हम लोगों ने पिछले कुछ दो तीन क्लासेस में डिस्कस की हैं कि आईआर स्पेक्ट्रा क्या होता है, वाइब्रेशंस क्या होते हैं और किस तरह से हार्मोनिक एक ऑसिलेटर की तरह एक जो बॉन्ड है वो बिहेव करता है और उस वो जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेशन अलग अलग तरीके के जो करता है उसके लिए हमने हुक्स रूल एक देखा। और हुक्स रूल से हमने ये निकालने की कोशिश की कि वो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग बॉन्ड की वो किस वेव नंबर पर आएगी। तो उसके लिए कल हमने बात की थी कि जो कार्बन कार्बन अगर हमारे पास में सिंगल बॉन्ड हो तो इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में जो वेव नंबर है वो किस फ्रीक्वेंसी पर किस वेव नंबर पर आएगा एब्जॉर्प्शन। तो ये हमारे पास में इक्वेशन था। क्या इक्वेशन था? इक्वेशन था हमारे पास में ओमेगा बार वाइब्रेशनल वेव नंबर, वाइब्रेशन का जो वेव नंबर है वो ओमेगा बार इक्वल्स टू 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू। ये हमारे पास में हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला था। और इस फॉर्मूले में ये जो 1/2 c है, यहाँ पर 2 पाई और सी, सी जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। सी जो है वो क्या है, सी इज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और अगर हम ये वैल्यूज पुट कर दें पाई का भी सी का भी और टू का भी तो हमें जो एक वैल्यू मिलता है वो मिलता है 4.12। और यहां पर अगर हम कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसमें अगर हम देखें कि क्या स्ट्रेचिंग आएगी तो यहां पर 1/2 पाई सी की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 4.12 और के अपॉन म्यू। तो म्यू जो है वो रिड्यूस्ड मास है। तो रिड्यूस्ड मास के लिए मैंने कल भी आपको बताया था कि m1 × m2 अपॉन m1 + m2। वो जब दोनों जो आपके एटम्स हैं वो जैसे भी जुड़े हुए हैं उनसे आप रिड्यूस मास निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमने कार्बन कार्बन के बीच का देखा है तो दोनों का ही जो एटॉमिक मास है वो 12 आता है। तो उससे अगर हम निकालें यहाँ पे तो ये जो वैल्यू है म्यू की वो 6 आती है। और ये वैल्यू अगर हम रखते हैं तो हमें ये 1200 सेंटीमीटर इनवर्स पर इस वेव नंबर पर एक एब्जॉर्प्शन देखने को मिलती है। इसी तरह से एक और अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का तो सेम वही कि जो हमारे पास में ओमेगा बार ऑफ वाइब्रेशन है ये हो जाएगा 4.12 अंडर रूट के अपॉन म्यू। सो म्यू का के का वैल्यू आपका इसको पता ही है आपको, क्योंकि आपको मालूम है कि के जो है वो कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 5 डाइन्स पर सेंटीमीटर, डाइन्स पर सेंटीमीटर। और जो म्यू है वो आप म्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो म्यू कैलकुलेट कैसे करोगे, क्योंकि यहां पर मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ हाइड्रोजन जो अब तक इससे पहले हमने देखा था वहां पे तो M1 और M2 दोनों एक ही थे, ये M2 था और यहां पर दोनों अलग अलग हैं, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। तो ये और फिर यहां पर आप कर सकते हो कि मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको अगर आप निकालो तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन है 12 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1 डिवाइडेड बाय, सो 12 प्लस 1। तो इसको जब हम कैलकुलेट करके लेकर के आते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारे पास में 12/13। और इसको जब आप करोगे तो यहां पर ये निकल करके आएगा 0.923। ये म्यू की वैल्यू निकल के आएगी। अब ये म्यू की वैल्यू को यहां पुट कर दो, के की वैल्यू को भी पुट कर दो। तो ये वैल्यूज अगर आप यहां पर पुट कर देते हो तो जो हमारे पास में ओमेगा ओमेगा बार वाइब्रेशन है उसकी वैल्यू निकल के आ जाती है यहाँ पे करीब करीब 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप किसी भी तरह का बॉन्ड आप ले लो, ये हुक्स रूल को फॉलो करवाओ और क्या कर सकते हो आप वहां पर जो स्ट्रेचिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो आप निकाल सकते हो कि वो कहाँ पर
आएगी या वेव नंबर निकाल सकते हो कि वो कहां पर आएगा एक एक्सपेक्टेड। जैसे हमने अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा था, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कि वुडवर्ड फिशर रूल्स को अप्लाई करके और हम कैलकुलेट कर सकते थे, ऐसे ही यहां पर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट ये कैलकुलेटेड वैल्यूज अलग होती हैं और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज अलग होती हैं, क्योंकि वहां पर जो भी कंपाउंड है उसका जो और दूसरा एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट की वजह से भी कुछ इम्पैक्ट उस पर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं या वेव नंबर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब हम बात करेंगे, आज जो हम बात करने वाले हैं मेन, वो बात करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन। जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसको हम इस तरह से यूज करते हैं कि आईआर रेडिएशंस उसको हम प्रोवाइड करेंगे और जो भी कंपाउंड हमने वहां पर लिया हुआ है वो एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देगा, ठीक है ना। और इस तरह से वो जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा वो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को काम में लेकर के हम यहां पर उस सैंपल को टेस्ट करते हैं। तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट है जो हम काम में लेते हैं वो है डिस्पर्सिव आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रो फोटोमीटर, ठीक है ना, इसको डीआईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी बोलते हैं। और जो दूसरा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसको हम बोलते हैं एफटीआईआर स्पेक्ट्रो फोटोमीटर। एफटी क्या है, एफटी का मतलब होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना, फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसमें भी कई चीजें आती हैं अलग अलग तरह की। एक आता है एटीआर एफटीआईआर, एटीआर एफटीआईआर स्पेक्ट्रो फोटोमीटर, बट वो इसी का पार्ट है, एफटीआईआर का ही एक क्या कह सकते हैं, मॉडल मान सकते हैं आप, है ना। एटीआर ये हम यहां पढ़ेंगे कि एटीआर क्या होता है और ये जो फूरियर ट्रांसफॉर्म जो एफटी है वो क्या है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है कि आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो होता है जो इंफ्रारेड रेडिएशंस अगर हम डालें तो उससे जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा वो देता है। लेकिन डिस्पर्सिव क्या है, एफटीआईआर क्या है और एटीआर एफटीआईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, इनके बारे में हम यहां पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो मैं आपको लेके चलता हूं एक, ये मैंने पहले से ही बना करके रखा हुआ है ताकि हमारा बनाने में टाइम भी खराब ना हो और एक अच्छा डायग्राम आपको मिल जाए देखने के लिए। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं, देखो जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है वो हम लेते हैं एक फिलामेंट, एक वायर, जिससे भी हमें हीट जो एनर्जी है या रेडिएशंस हैं, हीट रेडिएशंस वो मिल जाए, ऐसा कोई भी हम एक एनर्जी सोर्स ले लेते हैं। और बाकी सब चीजों को यहाँ पे मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो मुझे सबसे पहले जो चीज बतानी है वो बतानी है कि जो सैंपल है, ये जो सैंपल है ये सैंपल किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जब भी हम किसी भी सैंपल का जो आईआर स्पेक्ट्रम है वो लेते हैं तब, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको कुछ हम अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा इस पर बात करते हैं कि ये जो सैंपल है वो सैंपल किस तरह से तैयार किया जाएगा। तो देखो सैंपल प्रिपरेशन के लिए दो तरीके हैं, या दो तरीके के आपके पास में सैंपल हो सकते हैं, या तो वो सैंपल हो सकता है लिक्विड फॉर्म में
और या वो हो सकता है आपके पास में सॉलिड फॉर्म, ठीक है। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो क्या करेंगे, और सॉलिड फॉर्म में है तो किस तरीके से हम करेंगे, उस पर हम यहां पर बात करते हैं। तो देखो यहां पे कोई ना कोई, चाहे लिक्विड फॉर्म में हमारे पास में सैंपल हो या हमारे पास में सॉलिड फॉर्म में सैंपल हो, हमको कोई ना कोई क्या चाहिए, एक ऐसी कंटेनर चाहिए जिस कंटेनर में इस लिक्विड को या हमारे पास जो सॉलिड है उस सॉलिड को हम क्या कर सकें, डाल सकें, ठीक है, रख सकें। तो यहां पर इस तरह का कोई सेल तो हम यूज नहीं करते, जिस तरह का कोई टेस्ट ट्यूब होता है या क्यूवेट हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते थे। यहां पर हम जो सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं वो पहली चीज तो यह है कि वो ग्लास और प्लास्टिक का यूज नहीं कर सकते। अगर हम ग्लास और प्लास्टिक का यूज करते हैं, ग्लास या फिर हम प्लास्टिक यूज करते हैं, तो ये जो ग्लास और प्लास्टिक है ये इंफ्रारेड रेडिएशंस, आपको पता है कि हीट रेडिएशंस होते हैं, ठीक है ना, गर्म रेडिएशंस होते हैं, वो इससे पिघल जाते हैं, ठीक है ना, या उसके साथ में आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रांगली उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और इंफ्रारेड रीजन के अंदर उसका भी स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए हम यहां पर ग्लास और प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे। तो आपका जो सेल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो सेल ऐसे सब्सटेंस का बना होना चाहिए जो आयनिक नेचर का हो, ठीक है, ओके। अब आयनिक नेचर में हमारे पास में दो चीजें हैं, एक चीज है, एक है हमारे पास में KBR और एक है हमारे पास में NaCl। इन दो के हम सेल्स बनाते हैं, ठीक है, जो सैंपल सेल्स हैं। अगर हम KBR की बात करें तो ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ये जो सॉल्ट है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जो NaCl है वो थोड़ा सा लो कॉस्ट का होता है, ओके। सो और इसमें हम सेल यूज नहीं करते, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि किसी तरह का कोई ट्यूब, किसी तरह का कोई क्यूबेट हम यूज नहीं करते, बल्कि हम या क्या यूज करते हैं, KBR और NaCl की प्लेट्स यूज करते हैं। तो या तो हमारे पास में KBR की प्लेट्स होती हैं या फिर NaCl की प्लेट्स होती हैं। अब आपको पता है कि ये ऐसे आयनिक कंपाउंड्स हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो जो भी सैंपल आप लो, चाहे आपका लिक्विड फॉर्म में वो सैंपल हो या आपके पास में सॉलिड फॉर्म में वो सैंपल हो, वो कैसा होना चाहिए, वो फ्री फ्रॉम वॉटर, फ्री फ्रॉम वॉटर मतलब कि वॉटर कंटेंट उसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये प्लेट्स क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। और ये बहुत पतले प्लेट्स होते हैं, तो हमारा जो सैंपलिंग हम कर रहे हैं वो सैंपलिंग इजीली हो नहीं पाएगी। अच्छा, इनको यूज करने का वजह भी एक है, वजह क्या है कि ये जो KBR और NaCl जो हम यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो IR स्पेक्ट्रम हमें मिलता है वो तब मिलता है जब हम IR रेंज की रेडिएशन को किसी कंपाउंड पे डालते हैं, और वो जो रेंज होती है वो होती है 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के और 400 सेंटीमीटर इनवर्स तक। तो ये जो KBR है ये काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन इस पूरी की पूरी रेंज में हमें इस KBR के थ्रू देखने को मिलता है, इसके थ्रू। लेकिन अगर हम यहां पे NaCl को यूज करते हैं तो NaCl के साथ में प्रॉब्लम है कि वो 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के और 650 सेंटीमीटर इनवर्स तक के ही एब्जॉर्प्शन दिखाता है। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो इस 650 सेंटीमीटर इनवर्स से ऊपर ऊपर ही हमें देखने को मिलते हैं, मतलब इस रेंज में बहुत कम एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो जब हमें एक्स्ट्रा कोई किसी ऐसा कंपाउंड हमें देखना पड़ता है जहां पर इस रेंज में 400 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के 650 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच का कोई एब्जॉर्प्शन मिलना होगा, तब हम इसे यूज करते हैं KBR को, वरना हम ये लो कॉस्ट का जो हमारा एक जो सबसे ज्यादा चलन में जो प्लेट्स हैं उनका इस्तेमाल हम कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारा एक मैक्सिमम रेंज को कवर करता है, ओके। अब हम बात करेंगे कि जब हमारे पास में लिक्विड हो तब हम किस तरह से सैंपल सेल बनाएंगे और जब हमारे पास में सॉलिड्स हो तब किस तरह से सैंपल सेल बनाएंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास में सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिक्विड है, तो लिक्विड का क्या करते हैं, तो आप ये प्लेट ले लेते हो, ये जो NaCl की या KBR की जो प्लेट है वो आप ले लेते हो, और वो जो लिक्विड है
इस लिक्विड का एक छोटा सा ड्रॉप यहां पर हम डालते हैं इस प्लेट पे, ये जो सैंपल प्लेट है हमारे पास NaCl का, इस पर, और एक दूसरा प्लेट लेते हैं और वो इसके ऊपर रख देते हैं। जब आप इसको इसके ऊपर रख दोगे तो आप देखोगे कि ये फैल जाएगा, ये जो एक ड्रॉप आपने लिया है ये पूरा का पूरा इस तरह से फैल जाएगा और एक बहुत ही थिन फिल्म, एक बहुत ही पतला जो एक फिल्म है वो बना लेगा। जैसे आप बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स करते हो कि आप एक स्लाइड लेते हो और स्लाइड के ऊपर आप एक जो भी माइक्रोब या जो भी चीज है वो आप रखते हो, उसके ऊपर फिर कवर स्लिप लगा देते हो। एक कवर स्लिप होती है ना, ये ग्लास की होती है, ये भी ग्लास की होती है, और वो प्रेस हो जाता है और एक बिल्कुल पतली फिल्म बन जाती है, फिर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखते हो। ऐसा ही सेम सिस्टम हम यहां पर करते हैं, दो प्लेट्स के बीच में उस लिक्विड को रख देते हैं, तो एक जो एक पतला फिल्म है उस लिक्विड का वो हमें मिल जाता है और एक बहुत ही नीट स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलता है, और यहां पे किसी तरह के कोई सॉल्वेंट की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब नो सॉल्वेंट इज यूज्ड, क्योंकि लिक्विड अपने आप में ही तरल है और इजीली उसका एक पतला फिल्म यहां पे बन जाता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जो सब्सटेंस है, वो जो लिक्विड है, वो उसमें वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो फ्री ऑफ वाटर होना चाहिए या फ्री फ्रॉम वाटर होना चाहिए। दूसरा, अगर हमारे पास में, ये तो बात रही लिक्विड की, बहुत ही आसान था, अगर हमारे पास में सॉलिड हो सब्सटेंस, तो देखो सॉलिड सब्सटेंस के साथ में हमें कुछ अलग अलग तरीके से यहां सैंपल की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। पहला तरीका तो क्या होता है कि हम लेते हैं KBR और लेते हैं आपका जो भी सैंपल है उसका सॉलिड सैंपल का, जो इन दोनों को बहुत अच्छे से क्या कर लेते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम इसका क्या कर लेते हैं, इसका पाउडर बना लेते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे, है ना, एक फाइन पाउडर जो है वो हमें यहां पर मिल जाएगा। और ये जो पाउडर आपको मिला है, ठीक है ना, ये एक इस तरह का एक जो दो एक्चुअली क्या करते हैं इसको प्रेश, एक इस तरह का प्लेट होता है, इसको यहां रखते हैं और ऊपर से एक पिस्टन से, एक पिस्टन हम ले लेते हैं इस पिस्टन से, और इसके ऊपर दबाव डालते हैं। जब दबाव डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा और पैलेट बना लेगा, ठीक है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे आप रोटी बनाते हो तो एक रोटी मेकर आता है, रोटी मेकर क्या होता है, वहां आप लोई रखो इसके ऊपर यहाँ पे, और ऊपर से जो है इसी साइज का एक और पार्ट होता है उसको आप इसके ऊपर कंप्रेस कर दो, तो ये जो लोई है वो आपकी फैल जाती है और रोटी बिल्कुल गोल बन जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपने ये पाउडर फॉर्म लिया, ठीक है ना, जो एक सेमी सॉलिड टाइप का सब्सटेंस यहाँ पर होता है, और यहाँ आप दो प्लेट्स प्लेट्स के बीच में इसको रख करके और हाई प्रेशर पर कंप्रेस करते हो, तो हमें पोटेशियम ब्रोमाइड जब हाई प्रेशर पर करेंगे तो ये जो पाउडर है ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और यहां पे जो सब्सटेंस इसके साथ में लिया हुआ था वो सब्सटेंस इसके साथ में लॉक हो जाएगा, और लॉक होकर के हमें क्या देगा, एक ये पैलेट्स देगा। तो इनको हम बोलते हैं KBR पैलेट्स। ये KBR पैलेट्स को हम उस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रखेंगे इंस्ट्रूमेंट में, और एक अच्छा प्रिपेयर्ड अगर पैलेट अगर आपका प्रिपेयर हुआ है ना, तो बिना किसी इंटरफेरिंग बैंड के एक अच्छा ट्रांसपेरेंट पैलेट आपको एक अच्छा स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कर देता है। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो सॉलिड हमने लिया है इसको हम एक बनाते हैं इसका नुजोल मूल। अब ये नुजोल मूल क्या होता है कि हमारे पास में एक होता है मिनरल ऑयल जिसे हम बोलते हैं नुजोल, ठीक। इस मिनरल ऑयल के साथ में हम वो सैंपल ले लेते हैं, सॉलिड सैंपल, और इसको हम अच्छे से फाइनली इसको इसके साथ में मिक्स कर लेते हैं और एक इसका सस्पेंशन बना लेते हैं, ठीक है, या इसका आप ये कह सकते हो कि एक थिक सॉल्यूशन बना लेते हो, एक मिक्सचर बना लेते हो, और इनको दो प्लेट्स के बीच में रखते हैं
और वो दो प्लेट्स के बीच में रखने पर इसको बहुत हाई प्रेशर से कंप्रेस करते हैं, तो वापस हमारे पास में क्या बन जाता है, वही पैलेट्स बन जाएंगे। और वो जो पैलेट होंगे उसको फिर हम यूज कर लेंगे कहाँ पे, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट में, और वो आपको एक स्पेक्ट्रम दे देगा, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों को करने में हमें लगती है मेहनत। तो आजकल हम एक चीज यूज करते हैं एक अच्छा स्पेक्ट्रम लेने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए, और उसको हम बोलते हैं ATR, ATR, ठीक है। अब ये ATR क्या है, इसे हम बोलते हैं एटीन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस, एटीन्यूएटेड, ये मैं बताऊंगा अभी होता क्या है, एटीन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्टेंस, ठीक है ना। ये एक एसेसरी होती है, एसेसरी मतलब जैसे आपके फोन के साथ में हेडफोन आया तो वो एक एसेसरी की तरह काम करता है। भाई फोन को तो आप कान पे लगा के भी सुन सकते हो, लेकिन एक एसेसरी उसके साथ में दे दी कि साहब आप ये हैंड फ्री लगाओ और फोन को आप दूर रखो और आप अपने कुछ भी उससे बात कर सकते हो, कुछ आपको जो भी उस फोन से करना है सुनने का काम वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ऐसे ही इसके साथ में एक ये ATR आता है। अब ये ATR होता क्या है, तो जो आजकल के जो मॉडर्न IR इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आते हैं, बेसिकली जो फोरियर ट्रांसफॉर्म वाले होते हैं जिसको हम FTIR बोलते हैं, उसके साथ में ये ATR एसेसरी आती है और इसी को हम ATR FTIR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं, ठीक है, जहां पर हमने ये ATR एसेसरी को यूज किया होता है। खैर हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस ATR को समझें कि ये ATR एक्चुअली में क्या है। अल्टीमेटली हमें पता है कि जब भी हम किसी सैंपल पर लाइट को पास करते हैं, ये सैंपल हमारे पास में है और जब हम इसको इस पर पास करेंगे तो ये जो सैंपल है वो इस लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना चाहिए, और क्योंकि IR यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में चेंजेस आने चाहिए। अब लाइट तो क्या इतनी स्पीड से चलती है कि तुरंत निकल जाती है जब हम इससे पास करते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, तो हमने यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर क्या करते थे, हम यहाँ पर लिक्विड लेते थे तो वो एक बहुत पतला सा फिल्म बनाते थे, यहाँ पर सॉलिड लेते थे तो वहां पे भी हम पैलेट्स बनाते थे। इन्होंने यहाँ पर इस ATR एसेसरी में क्या किया कि इसमें हम क्या करते हैं ATR में बेसिकली कि इस तरह का एक प्लेट होता है, ठीक है, क्रिस्टल होता है एक्चुअली, और यहां से लाइट एंटर करती है ना। मान लो कि इस पर हमने यहां लाइट डाली, यूं लाइट डाली, ये इनकमिंग लाइट है आपकी, इंसिडेंट लाइट जैसे आप बोलते हो, इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट डाली तो इनमें अलग अलग जगह पे डायमंड्स लगे होते हैं, एक स्पेशल कटिंग के डायमंड्स लगे होते हैं उस जगह पर। तो ये डायमंड क्या करेगा, ये लाइट जैसे ही आएगी इसको यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, यहां लेकर के आ जाएगा, फिर उसके बाद यहां पर भी एक डायमंड लगा होगा, ये क्या करेगा, ये इस लाइट को फिर लेके जाएगा और यहां ले जाएगा इस तरह से, फिर यहां डायमंड लगा होगा वो इसको इस तरह से करेगा, फिर यहां डायमंड लगा होगा वो इस तरह से करेगा। ऐसे जगह जगह पर डायमंड्स लगे होते हैं जो लाइट जैसे ही यहां पर एंटर करती है उससे टकराते हैं, और फिर बाद में ये लाइट जो है वो यहां से निकल जाती है। लाइट यहां से तो गई है अंदर और इसके अंदर ऐसे 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 घूम करके जिगजग जिगजग जिगजग, और यहां से ये लाइट जो है वो बाहर निकल जाती है, जिसे हम एटीन्यूएटेड लाइट या इंफ्रारेड जो बीम है वो बोलते हैं। अब एटीन्यूएटेड का मतलब क्या होता है, एटीन्यूएटेड का मतलब होता है वैसे तो डाइल्यूशन करना, उसकी तीव्रता को कम कर देना, ठीक है ना, उसको तनु बना देना, ठीक है, डाइल्यूट कर देना, वीक बना देना। तो इंसिडेंट लाइट जो है वो बहुत तेजी से गई है ना, और उसको हमने यहां पर बार 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 रिफ्लेक्शन करवा करके उसको क्या कर दिया, एटीन्यूएटेड कर दिया या उसको वीक इंटेंसिटी का बना दिया, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ATR, एटीन्यूएटेड कर देती है इसलिए हम इसे एटीन्यूएटेड बोलते हैं। और टोटल रिफ्लेक्टेंस मतलब सारा का सारा पूरा रिफ्लेक्ट होता रहता है, तो इसलिए इसका नाम हमने ATR रखा हुआ है। यहां पे ये होता है हमारा सैंपल की एक फिल्म, इस पर हम इसमें सैंपल डाल देते हैं, चाहे वो सॉलिड हो लिक्विड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लाइट जब यहां से यहां तक जाती है तो
इस सैंपल को भी पेनिट्रेट करेगी या सैंपल से भी टकराएगी, और बार 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 टकराती है। तो जो वाइब्रेशंस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये यहां जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, इसी वजह से बार 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 ये टकराएगी, एब्जॉर्ब होगी, इसी वजह से तो ये वीक हो गई है, क्योंकि यहां से तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की गई थी और यहां बार बार एब्जॉर्ब हुई है। ये तो हमने केवल दो पॉइंट्स बताए हैं कि साहब यहां टकरा रही है, लेकिन ये हजारों पॉइंट्स हो सकते हैं, लाखों पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये एटीन्यूएटेड जो टोटल रिफ्लेक्टेंस जो क्रिस्टल है, एटीआर क्रिस्टल, इसको हम एटीआर क्रिस्टल बोलते हैं, एटीआर क्रिस्टल, ये समझ में आ गया। तो यहां पर हम तीन तरीके से चीजें को करते हैं। लिक्विड होता है तो वहां पर हम दो NaCl या KBr प्लेट्स के बीच में लिक्विड को रख करके पतला फिल्म बना लेते हैं, या फिर अगर हमारे पास में सॉलिड फॉर्म में होता है तो वहां पर हम जो ग्राइंड कर लेते हैं उसको KBr के साथ में, और फिर उसका पैलेट बना लेते हैं, या फिर हम उसको नुजोल मूल के साथ में, नुजोल के साथ में मिलाकर के एक मूल बना लेते हैं, एक पैलेट बना लेते हैं, उससे स्टडी कर लेते हैं, और या फिर हम ये इस तरह का जो ATR क्रिस्टल है उस ATR क्रिस्टल को यूज कर लेते हैं। इसका फायदा ये है ATR का कि देखो यहाँ पर सॉलिड लिक्विड कुछ भी लिया जा सकता है इस क्रिस्टल। दूसरा, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत होती नहीं है, और सैंपल आप चाहे आपका कैसा भी हो, किसी भी कंडीशन का हो, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो या ना हो, क्योंकि यहाँ जो हम इतना सारा प्रोसेस कर रहे थे, चाहे वो लिक्विड में या सॉलिड में, उसको एक पतला ट्रांसपेरेंट फिल्म बनाने में वो इसलिए कर रहे थे ताकि लाइट इजिली पास हो, जबकि यहाँ पर वो गंदा सैंपल भी होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं भी होगा, तो भी यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा जो काम है, हमारा जो IR स्पेक्ट्रम है वो आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इस ATR को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ATR क्या होता है। अब हम वापस चलते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट पर, हम यहां आ जाते हैं। अब ये हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम डिस्पर्सिव IR कहते हैं। ये जो अभी हम पहला जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं डिस्पर्सिव, डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। ये अब ये डिस्पर्सिव क्या है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं या इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो ये हमारा लाइट सोर्स होता है, ये हमारे पास में लाइट सोर्स है, और ये लाइट सोर्स यहां से आपको एक लाइट बीम देता है। ये लाइट बीम यहां से इस तरह से चलती है, ठीक है। ये लाइट बीम यहां से चली और यहां पर एक लगा होता है, ये मिरर लगा होता है। ये मिरर क्या करेगा, इस लाइट को दो भागों में बांट देगा। आप देखो यहाँ पे जो इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके का है कि लाइट पड़ते ही ये रिफ्लेक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में भी, अप डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। तो दो पार्ट्स में ये बट जाती है, यहाँ पे फिर ये मिरर लगा होता है और ये यहां से टकराएगी और इस तरह से मूव कर जाएगी। ऐसे ही यहां पर भी लगा होता है और यहां पर भी इसे टकरा करके ऐसे मूव कर जाती है। अब हमारे पास में यहां पर होता है रेफरेंस सेल और एक नीचे होता है हमारे पास में सैंपल सेल। सैंपल सेल का मतलब ये नहीं है, सेल का मतलब कि आपने कोई एक ऐसा कंटेनर लिया हुआ है जिसमें आपने उस जो सैंपल है उसको डाला हुआ है, नहीं, वो फिल्म जो हमने बनाई है, तो चाहे आपने दो प्लेट्स के बीच में रख करके बनाई हो, चाहे मूल या आपने नुजोल मूल बनाया हो, या कोई पैलेट बनाया हो, या फिर आपका जो ATR जो क्रिस्टल है उसका प्लेट हो, ठीक है ना, वो हम इसके अंदर डाल देते हैं और यहां जो है हम कुछ नहीं डालते, ठीक है ना, क्लियर। अब ये जो दोनों जो स्प्लिट होकर के जो रेडिएशन हैं वो इसमें मूव करती है, रेफरेंस से भी पास होती है और यहां सैंपल से भी पास होती है, और सैंपल से पास होकर, रेफरेंस से पास होकर के, और ये मूव कर जाती है कहां पे, ये मूव कर जाती है हमारी मोनोक्रोमेटर में। ये मोनोक्रोमेटर एक इस तरह का बीम चॉपर हो सकता है। ये क्या करता है, ये बीम चॉपर, क्योंकि ये क्या करेगा, एक्चुअली जो भी लाइट यहां से पास हो रही है, ये जो लाइट इससे सैंपल से और रेफरेंस सेल से जो आई है, इस लाइट को डिस्पर्स कर देगा। पुराने टाइम में हम इसकी जगह क्या काम में लेते थे, हम इसकी जगह काम में लेते थे निकोल प्रिज्म को। ये निकोल प्रिज्म हम यहां पे रख देते थे और निकोल प्रिज्म हम यहां पे रख देते थे।
तो ये प्रिज्म का काम आपको पता ही है कि जब भी ये प्रिज्म लगाया, यहाँ पर आपने लाइट डाली और ये उस लाइट को क्या करता है, डिस्पर्स कर देता है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे भी जो लाइट आ रही है, आपकी जितनी भी इंटेंसिटी की लाइट यहाँ पर एब्जॉर्व हुई है, जो भी लाइट यहाँ पे प्रेजेंट है, ये निकोल प्रिज्म पहले यूज करते थे, लेकिन अब हम इसमें बीम चॉपर यूज करते हैं। ये बीम चॉपर क्या करता है, दो बीम्स को अल्टरनेटिंग क्रम में और निकालता है, ठीक है ना। ये तेजी से घूमता है, ये मोटर लगा होता है और ये बहुत तेजी से घूमता है, और इसमें से जो लाइट है वो अल्टरनेट उसमें, और दो बीम अल्टरनेट क्रम में आप कह सकते हो, वो इसमें से मूव करती है, और यहां से मूव करने के बाद में यहां से बाहर निकल के आती है, डिस्पर्स होकर के, बिखर करके, इस तरह से जैसे ये डिस्पर्स हो रखी है, ये डिस्पर्स लाइट है, और यहां मिरर से टकराती है, और मिरर से टकराने के बाद में फिर इस डायरेक्शन में मूव करती है, और इधर मिरर से टकराने के बाद में इस डायरेक्शन में मूव करती है, और उसके बाद में फिर हमने एक मिरर काम में लिया जाता है। ये जो मिरर है, ये दोनों तरह से जो लाइट आ रही है, चाहे वो रेफरेंस सेल से पास होकर आ रही है या सैंपल सेल से पास हो रही है, इन दोनों को कन्वर्ज कर देता है, ठीक है, या मर्ज कर देता है। ये लाइट देखो, ये डॉटेड 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 उसमें आ रही है, और ये जो हमारी सैंपल से आ रही है वो सॉलिड लाइन से आ रही है। ये दोनों लाइन लाइट्स जो हैं या रेज जो हैं, वो ये स्लिट से पास होते हुए ये डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग जो है उससे पास होती हैं। अब मैं आपको बता दूं ये ग्रेटिंग क्या होता है। ग्रेटिंग एक्चुअली, अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, ग्रेटिंग इस तरह का एक चीज, उसको मान लो एक पतला ऐसा, जैसे एक प्लेट जैसा होता है ना, एक पतला प्लेट जैसा होता है, और इसमें बहुत सारे छेद वो होते हैं, स्लिट्स होती हैं, छेद होते हैं। ये मैं बहुत दूर दूर बना रहा हूं, बहुत पास 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 होती हैं, है ना, ये छेद हैं एक्चुअली। छेद मतलब एक लंबे लंबे छेद, स्लिट्स वो है, और ये इतनी ज्यादा होती है कि एक सेंटीमीटर में कई हजारों तक हो सकती है, इतनी बारीक होती है। तो वो ये ग्रेटिंग होता है, और ये मूवेबल होता है, इसको हम मूव कर सकते हैं अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसको मूव कर सकते हैं। इसका एंगल जो है उसको हम, ये जो एंगल है इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम नीचे की तरफ भी मूव कर सकते हैं, इसको हम ऊपर की तरफ भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मूवेबल एक जो ग्रेटिंग है, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, वो यहां पर लगा होता है, और ये मूव करके, और जो भी लाइट इस पर पड़ रही है उस लाइट को अलग अलग मूवमेंट करके, और हमको करना क्या होता है इसको, क्योंकि ये लाइट तो बिखर जाएगी, यहां से टकराएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, एक स्लिट यहां पे लगा लेते हैं, और इसको मूव करके डिजायर्ड वेवलेंथ की जो लाइट यहां से मूव करके आ रही है उसको यहां से स्लिट से पास करते हैं, और ये इस डिटेक्टर पे चला जाता है। अब डिटेक्टर क्या है, डिटेक्टर एक टाइप का थर्मोकपल होता है। अब थर्मोकपल्स के बारे में हम कभी दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन ये जान लो कि ये दो यहां पर लाइट सेंसिटिव मटेरियल यहां पर होते हैं। ये डिटेक्टर क्या करता है, वो जो लाइट इंपल्सेस आ रही हैं उनको सेंस करता है, ठीक है ना, और जो इंटेंसिटी यहां पर रेफरेंस सेल से आ रही है, जो लाइट यहां पर सैंपल सेल से आ रही है, तो रेफरेंस और सैंपल सेल्स दोनों से आने वाली जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो यहां सैंपल से एब्जॉर्ब हुई है और एक जो यहां रेफरेंस सेल से, जहां पे कुछ भी नहीं था वहां से हुई है, तो जो अनअफेक्टेड लाइट जो पास होकर के आ रही है उन सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है कि किस तरह के सिग्नल्स हमें यहां पर, यहां से जो लाइट चली है उसमें, क्योंकि यहां रेफरेंस से कुछ है ही नहीं और यहां पर सैंपल था नीचे, तो ये उस सैंपल रेफरेंस में से सैंपल सेल का जो रेडिएशन है, उस सैंपल सेल के रेडिएशन से रेफरेंस सेल से आने वाले जो रेडिएशन है उसको अपने आप ही क्या करेगा, यहां आगे की तरफ भेज देगा और उसको उसमें से माइनस कर देगा, ताकि जो यहां पर कोई गैस हो सकती है, एटमोस्फेरिक गैस हो सकती है, मॉइस्चर हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, वो इस पर्टिकुलर जगह पे जो हो सकती है उसको हम, क्योंकि सेम एनवायरनमेंट हमने काम में लिया है, तो वो सैंपल के साथ में आईआर रेडिएशंस जो हमें एब्जॉर्ब हो रही हैं वो हमें यहां पर ना मिले, हमारा जो भी ग्राफ हमें देखने को मिलेगा उसको यहां सब्स्ट्रैक्ट कर देता है या माइनस कर देता है या कैंसिल कर देता है और इस सिग्नल को आगे की तरफ मूव करवा देता है। फिर ये सिंपल ये जो रेडिएशन है जो यहां पर डिटेक्टर ने डिटेक्ट करके आगे लेके गया है, अब ये सैंपल के जो ये, या ये कह सकते हैं कि ये जो लाइट बीम्स हैं जो यहां निकल करके आई हैं, ये बहुत ही वीक इंटेंसिटी की होती है, वीक।
वो हम क्या करते हैं, अब एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई मतलब उनकी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे या उनको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, जूम करके देखेंगे। ऐसा आप मान लो वो छोटी सी चीज है, हम उसको जूम कर लेंगे ताकि वो बड़ा दिखाई दे, तो उसको एम्पलीफाई कर देंगे। और एक रिकॉर्डर यहाँ पे लगा होता है, जिस रिकॉर्डर पे जाकर के वो चीज रिकॉर्ड हो जाती है या एक ग्राफ के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग ले रहे हैं, और जो दोनों से निकलने के रेफरेंस सेल्स और सैंपल सेल से निकल के आने वाला जो लाइट है उसको डिफ्रेक्ट कर रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमारे पास में है, उस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को हम कहते हैं ये, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं FTIR, मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अच्छा, एक चीज और मैं यहां पर आपको बता दूं कि ये जो आपका डिस्पर्सिव जो IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, यहां पे जो लाइट एब्जॉर्व हो रही है, जो ग्राफ ये आता है निकल करके, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो रिकॉर्डर पे, ये ग्राफ किस किस के बीच में आता है, एक्चुअली ये आता है परसेंट ट्रांसमिटेंस, परसेंट ट्रांसमिटेंस। और परसेंट ट्रांसमिटेंस क्या होती है, ट्रांसमिटेंस का मतलब होता है जो चीज हमने यहां पर डाली, ये सैंपल है हमारे पास में, ये हमने डाला, ये यहां से निकल करके आया, जो एब्जॉर्ब हो गया। यहां पे मान लीजिए कि मैंने 100 एक इंटेंसिटी की लाइट डाली, इसने यहां पर 40 यूज कर ली, एब्जॉर्ब कर ली और 60 बाहर निकल के आई, तो परसेंट कितना परसेंट ट्रांसमिट हुआ, 60% ट्रांसमिट हुआ और 40% एब्जॉर्ब हो गया। तो हम ये देखेंगे कि कितना परसेंट ट्रांसमिटेंस हुआ है उस लाइट का, तो परसेंट ट्रांसमिटेंस और यहां पर हमारे पास में जो वेव नंबर है, जो आपका ओमेगा बार है ना, इनके बीच में आप यहां पर ग्राफ खींचते हो। और परसेंट ट्रांसमिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंट ट्रांसमिटेंस निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो भी सैंपल की जो इंटेंसिटी है, ठीक है ना, जो भी जो सैंपल बीम है, जो ये जो सैंपल बीम है जो ये निकल करके आई है, और एक ये रेफरेंस बीम, दो तरह की बीम्स है हमारे पास में, एक जो रेफरेंस सेल से निकली और एक हमारे पास जो सैंपल सेल से निकली, ठीक है ना। तो ये जो रेफरेंस से निकली वो तो एज इट इज निकली, यहां पर कुछ था ही नहीं, तो वो टोटल हमारे पास में इंटेंसिटी की, और ये आई एस जो है वो हमारे पास में सैंपल से निकलने वाली, इसको अगर आप इसका रेशियो ले लो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या निकल के आ जाता है, परसेंट ट्रांसमिटेंस निकल के आ जाता है। तो ये परसेंट ट्रांसमिटेंस और हमारे पास जो वेव नंबर है ओमेगा बार, इसके बीच का एक जो ग्राफ है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। खैर, अब हम यहां पर चलते हैं, हमारा जो दूसरा है फूरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सबसे पहले तो ये समझो कि ये फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, और या उससे पहले भी हम यहां पर एक बात मैं आपको बताता हूं कि जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यहां पर काम में हम ले रहे हैं FTIR में, वो एक बहुत ही डिफरेंट प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। और इससे मिलने वाला जो ये जो स्पेक्ट्रम आपको ये जो मिल रहा है, ये जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, ये स्पेक्ट्रम इसको हम बोलते हैं इंटरफेरोग्राम। क्या है, इंटरफेरोग्राम। अब ये इंटरफेरोग्राम क्या होता है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिग्नल होता है, ठीक है ना, और ऐसा कॉम्प्लेक्स सिग्नल होता है जिसमें सभी तरह की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, वैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई भी हमें ग्राफ मिल रहा है तो हमें पता होता है कि भाई ये किस फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है ना, यहां पर इसकी क्या फ्रीक्वेंसी रही होगी। लेकिन ये जो इंटरफेरोग्राम मिलता है, ये कॉम्प्लेक्स सिग्नल मिलता है, इसमें सभी तरह के फ्रीक्वेंसीज रहती हैं, और इसको पढ़ना हमारी जो ह्यूमन आईज हैं उसके बस की बात नहीं है, ठीक है, ये जो इंटरफेरोग्राम जो हमें मिल रहा है उसका। और दूसरी चीज क्या है कि इसको हम प्लॉट करते हैं, ये जो इंटरफेरोग्राम जो हमें मिलता है इसको हम प्लॉट करते हैं इंटेंसिटी वर्सेस टाइम में, कि ये आपका इंटेंसिटी है, या इसको मान लो ये इंटेंसिटी है और ये टाइम है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी में कितना बदलाव आया, कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट उसमें एब्जॉर्ब हुई, ट्रांसमिट हुई, वो सारी की सारी चीज है, मतलब ये टाइम डोमेन का एक स्पेक्ट्रम होता है। लेकिन हमें टाइम डोमेन से कोई मतलब नहीं है, हमें किस चीज से मतलब है, हमें मतलब है भैया आपकी वो फ्रीक्वेंसी में बताओ कि कितनी फ्रीक्वेंसी
एब्जॉर्ब हुई, कितनी फ्रीक्वेंसी एमिट हुई, तो हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन का स्पेक्ट्रम चाहिए या फ्रीक्वेंसी फील्ड का एक स्पेक्ट्रम चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं जिसे हम बोलते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये जो एफ टी जो टर्म हमने यहां यूज किया है ना एफ टी आई आर में, ये है फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसको इससे निकालेंगे, क्योंकि इसमें सभी तरह की फ्रीक्वेंसीज हैं। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम हम बनाया हमने, और उस कंप्यूटर प्रोग्राम से इसमें से वो फ्रीक्वेंसीज को हम निकालेंगे जो यहां पर एब्जॉर्ब हुई हैं या ट्रांसमिट हुई हैं। इस वजह से इसे हम फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं, FTIR। इसका जो शॉर्ट में जो नाम है वो है FTIR। और अगर इसमें हम एन्यूलेटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस यूज कर लेते हैं तो इसका नाम ATR-FTIR हो जाता है, जो आजकल मॉडर्न रूप में हम इसको काम में लेते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि ये बहुत, मतलब मिनी सेकेंड्स में, जैसे ही लाइट इस पर पड़ी और आपको ये ग्राफ दे देता है तुरंत, मतलब आप बहुत कम समय में बहुत सारे जो सैंपल्स हैं उनको आप कर सकते हो, मतलब एक सेकंड के हजारवें हिस्से में ही क्या कर देता है, ये आपको ग्राफ प्रोवाइड कर देता है, जो बहुत ही फास्ट है, ग्रेटर स्पीड का है, और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिविटी इसकी होती है किससे, ये जो हमने डिस्पर्सिव जो आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पढ़ा है उससे, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें होता यह है कि इसमें एक ये लाइट सोर्स होता है, यहां से लाइट आगे पास करती है, और यहां पर एक बीम स्प्लिटर होता है। बीम स्प्लिटर का मतलब होता है इसको डिवाइड करने वाला, बीम को, ये जो बीम जा रही है इसको डिवाइड करने वाला, इसको डिवाइड ये करेगा। ये 45 एंगल पर होता है, ये 45 डिग्री एंगल पर ये बीम स्प्लिटर लगा होता है। ये क्या करता है, एक तरह की लाइट को तो सीधा पास कर देता है, यहां जाने देता है, और दूसरी तरह की लाइट को 90 डिग्री पर, ये जो है ये 90 डिग्री पर इसको मोड़ देता है। तो ये एक फिक्स्ड मिरर लगा होता है, ये फिक्स्ड मिरर से वापस लाइट टकराएगी और वापस इधर आएगी। और इधर क्या होता है, ये मिरर होता है, लेकिन ये मूविंग मिरर होता है। ये मूविंग मिरर क्या करता है, ये ऊपर नीचे हो रहा होता है, या हम इसकी जो मूवमेंट है उसको हम कंट्रोल करते हैं, जिससे होगा क्या कि एक रेडिएशन जो यहां से यूं मूव कर रही है वो इससे जब टकराएगी और हम इसको आगे की तरफ मूव करेंगे या पीछे की तरफ मूव करेंगे, तो इससे हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बदल सकते हैं, या इसकी वेवलेंथ को बदल सकते हैं, हम इसके लैम्ब्डा को बदल सकते हैं। तो ये इसका लैम्ब्डा अलग हो जाएगा और इसका लैम्ब्डा अलग हो जाएगा, इसका लैम्ब्डा कुछ और होगा जो यहां से निकला है, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये एज इट इज ही है, और जबकि इसमें हमने क्या किया है, मूविंग मिरर लगा करके इसकी लैम्ब्डा की वैल्यू या वेवलेंथ की वैल्यू को बदल दिया। तो ये दोनों यहां इस पॉइंट पर वापस आते हैं, और ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ, ये दोनों वेवलेंथ की जब लाइट यहां पर पड़ती है, मतलब एक तरह की वेवलेंथ तो ये हो गई, वैसे तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां जो वेव थी वो कुछ इस तरीके की थी, इस तरीके की, लेकिन यहां जो हुई वो क्या है, वो तो इसी तरीके की है, सेम इस तरह की, लेकिन यहां जो वेवलेंथ है वो या तो बड़ी हो गई और या छोटी हो गई, वो डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके का यहां पर काम करवाना है। तो ये जो दो तरीके की लाइट है, इस तरीके की और इस तरीके की, ये दोनों यहां पर मिलती हैं और इंटरफेरेंस यहां पर क्रिएट होता है, और ये इंटरफेरेंस क्रिएट होता है, और एक इंटरफेरेंस बीम जो है या लाइट जो है या रेडिएशन जो है वो हमें यहां पर मिलता है, और ये इन दोनों को मिला करके और इस सैंपल सेल पर डाल देता है। ये सैंपल सेल वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा सिंपली और डिटेक्टर पर उसको ले जाएगा, और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा और एक इंटरफेरोग्राम हमें मिलेगा। अब कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से हम ये जो इंटरफेरोग्राम जो मिला है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको ऊपर डिस्कस कर दिया, उसको ये ट्रांसफॉर्म कर देगा। किस फॉर्म में ट्रांसफर कर देगा, उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देगा जिस फॉर्म में हमने ये डिस्पर्सिव में जो हमें स्पेक्ट्रम मिला था, सेम उसी तरह का स्पेक्ट्रम हमें यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में मिल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो FTIR है या ATFTIR है वो काम करता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है और किस तरीके से काम करता है। और ये जो इंटरफेरोग्राम मिल रहा है ना, इसमें ये एक्चुअली बैकग्राउंड में मिलता है, ये यहां मिल रहा है बैकग्राउंड में, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये बैकग्राउंड में मिलता है और इसे हम पढ़ भी नहीं सकते। हमें जो मिलता है वो फाइनली ये मिलता है,
यहाँ डिटेक्टर ने डिटेक्ट करके एक बैकग्राउंड में एक इसको ये इंटरफेरोग्राम दिया जिसको हम पढ़ नहीं सकते, जिसमें सारी फ्रिक्वेंसीज की रेडिएशंस जो हैं वो हमें यहाँ पर हैं या सिग्नल्स हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से जिसे हम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने इस पर अप्लाई किया और इस इंटरफेरोग्राम से जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो इंफॉर्मेशन हमें इस कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से मिल जाती है और एक जो डिस्पर्सिव आईआर स्पेक्ट्रम जो है हमें जो मिल रहा था वही स्पेक्ट्रम हमें इस तरह से प्राप्त हो जाता है या मिल जाता है। ठीक है, सो आई होप दोनों तरह का जो हमारे पास में इंस्ट्रूमेंटेशन था, चाहे वो डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो या हमारे पास में ये जो FTIR जिसको आप फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हो, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा इसमें हमें क्या देखना है, कैसे देखना है, हम इस पर बात करेंगे। मतलब ये जो हमारे पास में स्पेक्ट्रम आ रहा है ये किस वेव नंबर पर आ रहा है, कितनी इंटेंसिटी का पीक इसमें हमें देखने को मिल रहा है, ये सारी की सारी चीजें जो प्रैक्टिकल चीज है उस पर हम